दरभंगा में वाहन चेकिंग के बीच नगर थाने की पुलिस ने रिवाल्वर गोली के साथ मोहल्लागंज का अर्जुन कुमार सनी उर्फ टोनी को किया गिरफ्तार। जी हां, यातायात डीएसपी सह प्रभारी मुख्यालय डीएसपी बिरजू पासवान ने नगर थाना पर प्रेस वार्ता आयोजित कर आर्म्स के साथ गिरफ्तार अभियुक्त के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि 5 दिसंबर को नगर थाना अध्यक्ष अपने पुलिस के जवानों के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच इमली घाट के तरफ से आ रहे व्यक्ति पुलिस को देखते हुए भागने लगा। पुलिस ने जिसे काफी मशक्कत के बाद उसे पकड़ लिया। वहीं उसकी तलाशी ली गई। उसके पास से एक रिवाल्वर, एक कारतूस, एक मोबाइल, एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के 3 आपराधिक इतिहास रहे हैं, जिसमें सभी लहरियासराय थाना में पूर्व से दर्ज है। अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ सर जानकारी है? दिनांक 5/12/22 को नगर थाना अध्यक्ष अपने साथ के सिपाही बल के साथ वाहन चेकिंग संध्या में कर रहे थे। चेकिंग के क्रम में इमली घाट की तरफ से आ रहा है एक व्यक्ति, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे पकड़ा गया। उसकी तलाशी विधिवत लेने पर उसके पास से एक पिस्टल, एक कारतूस, एक मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ। उसका 3 आपराधिक इतिहास पूर्व से रहा है। तीनों कांड लहरिया सराय थाना अंतर्गत है। 2 उत्पाद अधिनियम का है और एक लूट से संबंधित कांड है। पहले से इस व्यक्ति की तलाश लहरिया सराय थाना को की। सही मोटरसाइकिल जो इसका खुद का है या चोरी का है? इसका सत्यापन किया जा रहा है। कौन? पूरा नाम है अर्जुन कुमार सहनी, पेशा टुनटुन सहनी उर्फ टुनू सहनी, साकी मोहल्लागंज, थाना लहरिया सराय, जिला दरभंगा। क्या? एक पिस्टल है, एक कारतूस है, एक मोबाइल है और मोटरसाइकिल है। जहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया है, क्या उस क्षेत्र में भी इन्होंने अपराध किया है या कोई घटना को अंजाम देने की कोशिश मान पे करने गया? निश्चित पिस्टल है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई घटना करता ही, लेकिन यह पहले से वांछित है 3 कांड में। इससे संबंधित नगर थाना कांड संख्या 358/22 आर्म्स एक्ट का 25(1)(b)(a)(26) आर्म्स एक्ट अंतर्गत दर्ज किया गया। इसके साथ और भी कोई आदमी संगठित आपने बताया गया क्या? नहीं, यह व्यक्ति अकेला था। जिस घटना में ये वांटेड था उसमें और भी कई लोग हैं अपराधी, ये सिंगल है? सिंगल नहीं, केवल यही वांटेड है पूर्व के 3 कांड में। किसी गैंग से जुड़ा है या ये? किसी गैंग से जुड़ा नहीं है,